अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? सब आ गए माशाल्लाह। चलो, अब थोड़े लोग भी जमा हो गए ना क्लास में, लेट लेट आए। ट्रैफिक था, कंटेनर लगा दिए स्टेडियम पे। डंडे क्यों मार रहे हैं भाई? ये क्या मसला हो गया है? चलो तो खैर, हम तो इसी हालात में पले बड़े हुए, ठीक है। सबकी तो आदत होनी चाहिए हमें कि कहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है, कहाँ पे डंडे पड़ रहे हैं, सब पता है हमें। कैसे बचना है, कहाँ से निकल के आना है, शॉर्टकट्स पता है बाइक के, कहाँ से फुटपाथ उतारनी है, कहाँ से वापसी आना है रोड पे, तो ये सारी चीजें हमें तो पता है। अच्छा जी, तो हम जो है थोड़ा आज नोड जेएस के बारे में देख रहे थे। इसकी वेबसाइट है node.js.org, ये मैंने खोली भी है। अच्छा, नोड जेएस है क्या? जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट है। क्या मतलब इस बात का कि भाई जावास्क्रिप्ट को हम जो ये चलाते हैं ब्राउजर पे, मतलब जावास्क्रिप्ट का हमारे पास अगर कोड लिखा है हमने, और अगर उस कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हमें ब्राउजर की जरूरत है, ब्राउजर के बगैर वो नहीं चलेगा। अच्छा, अगर ब्राउजर के बगैर जावास्क्रिप्ट को रन करना है तो हमें नोड जेएस की जरूरत पड़ती है, राइट है? तो ये नोड जेएस की वेबसाइट पे हम आए हुए। अच्छा, इसके अलावा भी नोड जेएस में काफी कुछ है जो कि आगे जाके हम देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये समझा कि जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट है। बैकएंड बनाने के लिए, बैकएंड सर्वर जब हम बनाते हैं तो वो तो ब्राउजर पे नहीं चलेगा, बैकएंड सर्वर तो बैकएंड पे होता है, तो इस वजह से फिर हमें नोड जेएस चाहिए होगी, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो फ्रंट एंड पे नहीं कर रहे हम, बैक एंड पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें नोड जेएस की जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। बाकी देखिए, दूसरी जितनी भी तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ना, वो चल जाती हैं बगैर ब्राउजर के, टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास जावास्क्रिप्ट की एक फाइल मैंने बनाई हुई है, अगर ठीक है बना लेते हैं। अच्छा देखिए, मैं HTML की फाइल बनाई। HTML फाइल क्यों बनाई, जबकि HTML पे तो हम अभी काम ही नहीं कर रहे, हम JavaScript पे कर रहे हैं। HTML की फाइल यू बनाई क्योंकि जावास्क्रिप्ट को अगर रन करना है तो हमें HTML के जरिए करना पड़ेगा, ताकि HTML जो है ना ब्राउजर पे चले और फिर उसको जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करे, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसमें कंसोल मैंने लिखा, तो अगर मुझे इसका आउटपुट देखना है तो मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट की इस फाइल को ब्राउजर पे रन करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, अगर इसको बगैर ब्राउजर के चलाने हैं ना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है नोड जेएस के अलावा, ठीक है। तो नोड जेएस क्या करता है कि हमें इसको ब्राउजर के बगैर चलाने देता है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेंगे, मैंने आपको बताया कि डाउनलोड फॉर विंडोज लिखा हुआ है इसके होम पेज के ऊपर। इसमें दो वर्जन है, LTS वाला और करंट वाला, तो हम डाउनलोड करेंगे LTS वाला, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बता रहा कि जावास्क्रिप्ट बगैर ब्राउजर के चलाएं। मैं नोड जेएस डाउनलोड करवा रहा था, तो बेसिकली मैंने इसका मकसद बता दिया आपको कि इसलिए होता है, लेकिन अभी हम इससे कुछ और काम करने जा रहे हैं, सर्च इंस्टॉल करने जा रहे हैं। नोड जेएस से ना हमें एक और पैकेज मिलता है जिसका नाम है npm, ठीक है। npm क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर। ये एक पूरी रजिस्ट्री है, मतलब जिसपे जावास्क्रिप्ट के काफी सारे टूल्स, लाइब्रेरीज, पैकेजेस जो है ना वो पड़े हुए हैं। जैसे गिटहब है ना, गिटहब पे कोड पड़ा हुआ है काफी सारी, हर प्रोजेक्ट का, हर लाइब्रेरी का, हर सॉफ्टवेयर का कोड गिटहब पे मैनेज हो रहा है, पड़ा हुआ है। तो इसी तरह जब कोई एक लाइब्रेरी बनाता है ना, जैसे बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी बनी हुई है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, एंगुलर एक लाइब्रेरी है, तो इन सबका जो कोड है ना वो npm पे भी मौजूद है, ठीक है। अब npm क्या करता है, उसने अपनी रजिस्ट्री पे इन सबका कोड लिखा हुआ है, और उसके जरिए हम उस लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में या अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं कमांड के थ्रू, ठीक है। नोड जेएस जब हम इंस्टॉल करते हैं, npm हमें मिल जाता है,
फिर npm के जरिए हम जावास्क्रिप्ट की किसी भी लाइब्रेरी या टूल को अपने सिस्टम में या प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं। बात समझ में आ गई? नोड पैकेज मैनेजर, तो इस वजह से हम नोड जेएस को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, LTS वाला आपने डाउनलोड कर लेना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। जो भी आपसे पूछे नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि भाई इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया? तो आप टर्मिनल खोलेंगे और टर्मिनल में आप लिखेंगे नोट स्पेस डैश वी। ठीक है, तो ये आपको जो है इसका वर्जन बताएगा कि भाई इसका जो वर्जन है 18.17.1 है। ठीक है, अच्छा जैसी नोड आप इंस्टॉल करेंगे, इसके साथ मैंने आपको बताया कि npm भी मिल जाएगा, तो npm डैश वी, तो ये npm का वर्जन भी आपको बता देगा। ठीक है, npm को डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, नोड को आप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, npm आपको खुद मिल जाएगा। सही है, तो बेसिकली अभी नोड को डाउनलोड करने का मकसद ही हमारा यही था कि हमें npm चाहिए ताकि हम जावास्क्रिप्ट का कोई भी लाइब्रेरी टूल अपने सिस्टम में या अपने प्रोजेक्ट में आगे जाके इंस्टॉल कर सके। सही है, अच्छा अब नहीं, नोट से मिलता है क्योंकि नोट का टूल है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको क्या बता रहा, सर्च, सर्च क्या है, search.sh इसका URL ही क्या है, स्टैटिक वेब पब्लिशिंग फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स। ठीक है भाई, मतलब स्टैटिक वेब पब्लिशिंग टूल है फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स, मतलब फ्रंट एंड की कोई भी वेबसाइट है ना जो आपने HTML CSS JavaScript को यूज करके बनाई है, वो आप इस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे Netlify पे हम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ये उसी की तरह है। ठीक है, अच्छा अब इस पे काफी सारे लोग दुनिया भर से जो है ना डेली पता नहीं कितने डिप्लॉयमेंट्स कर रहे होते हैं। अब आप देखें, ये इसकी कमांड है npm install dash dash global search। ये कमांड क्या करेगी कि सर्च को आपके पीसी में ग्लोबली इंस्टॉल कर देगी कि भाई जहां कहीं भी आपको किसी भी फोल्डर में सर्च चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हम अपने सिस्टम में दूसरे सॉफ्टवेयर कर देते हैं ना, विंडरार कर देते हैं, दूसरे कर देते हैं, तो ये भी एक टूल है Node.js जो हमें दे रहा है सर्च के नाम से, जो हमने अपने पीसी में इंस्टॉल करना है। अच्छा, डैश डैश ग्लोबल का मतलब जो है पूरे पीसी में हो जाएगा, इसका शॉर्टकट है डैश जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल की जगह आप आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चला देंगे तो ये क्या करेगा, नोड जे इसको सर्च को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा ग्लोबली। अब जहां कहीं भी आप सर्च को चाहेंगे मिले आपको, वहां पे मिल जाएगा आपको सर्च जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ये इंस्टॉल होता है तो फिर हम देखते हैं। तो इसमें ना हम कुछ लिख देते हैं ताकि इसी को हम डिप्लॉय करके देख लें। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। CSS भी बना देते हैं एक। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दोबारा ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो गया है। पता कैसे चलेगा, आपने लिखना है सर्च डैश डैश वर्जन, तो ये आपको सर्च का वर्जन बताएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पीसी में इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, अब इंस्टॉल होने के बाद आपको अब वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, आपने वेबसाइट बना ली, उसको डिप्लॉय करना है। आप इस लोकेशन पर आएंगे जहां पे आपको index.html नजर आ रही होगी। ठीक है, ना फोल्डर के बाहर ना अंदर, मैंने क्या आपको बता दिया किस लोकेशन पर आना है, जहां index.html आपको सामने नजर आ रही होगी। ठीक है, नजर आ रही है? Yes, यहां पे आके आपने cmd खोलना है, cmd, और यहां पे आपने लिखना है सर्च, सर्च और इंटर। अच्छा, अब इसमें इसने ना मैंने एक अकाउंट बनाया था इसमें, उससे इसको ना लॉग इन करा हुआ डिफॉल्ट, मुझे याद आ रहा है वीकेंड वाली शायद क्लास को मैंने करवाया था ये, तो इसको ना मैं पहले लॉग आउट कर देता हूँ ताकि आपको लॉग इन का सीन भी पता चल जाए। सर्च लॉग आउट, ठीक है लॉग आउट हो गया, इसको दोबारा खोलेंगे।
अब देखें न्यू यूजर की तरह इसको कर रहे हैं आप सर्च। अब आपसे पूछेगा वेलकम, बोलेगा वेलकम टू सर्च, लॉग इन और क्रिएट सर्च अकाउंट बाय एंटरिंग ईमेल एंड पासवर्ड। ये बोल रहा है आप एक अकाउंट बना लो या अगर आपका ऑलरेडी है तो उसको लॉग इन कर लो। ठीक है, तो मेरा अकाउंट नहीं है, मैं अकाउंट बना लेता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई gossahmed123@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड में मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई gossahmed123। ठीक है, पासवर्ड शो नहीं होता CMD में, पता है ना, कभी आप परेशान हो जाएंगे क्यों नहीं हो रहा। एंटर किया, अकाउंट बना दिया इसने। ठीक है, मुझे एज ए स्टूडेंट इसने मेरा एक अकाउंट बना के दे दिया। अच्छा, अब आप जब भी सर्च लिखेंगे ना, ये आपसे लॉग इन या क्रिएट अकाउंट करने का नहीं बोलेगा, ये डायरेक्ट आपको इस डायरेक्टरी पे ले आएगा, ये जो आपको शो कर रहा है। ये बोल रहा है आपकी जो वेबसाइट है वो क्या इसी फोल्डर में पड़ी हुई है, इसी में पड़ी हुई है बिल्कुल, अभी हमने बनाई है ऐसा ही। अब मैं क्या करूँगा, एंटर मार दूंगा। ये बोल रहा है आपका डोमेन ये होगा, ये रैंडमली कोई भी डोमेन बना देता है। आखिर में search.sh आएगा, शुरू वाला जो है ना रैंडम कोई भी नाम उठा के ले आएगा। ये क्या उठा के ले आया, शैलो डंकी, कितना अच्छा नेम उठा के लाया है। ठीक है, लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। ठीक है, अब होगा ये जैसे मैं इसको एंटर करूंगा हो सकता है एरर आ जाए। आ गया। ठीक है भाई, एरर क्यों आ गया, क्योंकि इस पे सेकेंडों में काम हो रहा होता है, मतलब एक सेकंड में दुनिया भर से इसमें इतनी रिक्वेस्ट आ रही होती है, हो सकता है ये डोमेन किसी और ने ले लिया हमसे पहले, क्योंकि हम इतना सोचने लग गए। अगर हम सोचे नहीं ना, डायरेक्ट जल्दी से सर्च लिखें और डायरेक्ट इंटर करें जल्दी से, तो ये देखें बन जाएगा। ठीक है, इसने अब हमारी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय कर दी इस लिंक पे। ठीक है भाई, ये देखें आ गए भाई, सिंपल। नेटलिफाई आसान था, ये थोड़ा प्रो वाला भी लग रहा है ना, प्रोफेशनल भाई, फुल CMD से बोल रहा है। कहाँ लिखा हुआ है, इंक्रिप्शन बोल रहा है ना ये तो शायद, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसे परमानेंट ही होता है ये तो सर्च का IP बता रहा है। मेरे ख्याल से तो ये परमानेंट है। अच्छा, ये तो कोई और डोमेन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ढूंढेंगे ना इसने लिखा हुआ होगा, वैसे ये परमानेंट ही होगा। ठीक है, अगर 260 डेज भी हुआ तो काफी है हमारे लिए। अच्छा, ये तो हो गया कि आप रेंडमली उठा के इसको कोई भी डिप्लॉय कर दें, और बाकी जो है ना आप अपनी मर्जी से नाम भी रख सकते हैं इसका। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया, अब ये मुझे नाम बता रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना ये मुझे नहीं रखना, तो मैं यहाँ सर्च से पहले आके इसको हटा दूंगा और मैं इसको बोलूंगा SMIT Badge 10, एंटर। ठीक है, ये किसी ने भी नहीं लिया, ये अवेलेबल था और मुझे मिल गया ये। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वही वाला एरर आ जाएगा, परमिशन वाला। ठीक है, मैंने इस पे करा, ये इस पर डिप्लाई हो गया, सेट है। नेक्स्ट डिप्लाई करेंगे तो आपको डोमेन बताना पड़ेगा, सिंपल। देखें, चेंज करता हूं मैं कुछ, मैंने लिखा gossahmed, सही है। अगर आपको इसको रीडिप्लॉय करना है तो आप इसी का नाम बताएंगे दोबारा, क्या नाम था जिस पर डिप्लॉय करना है उसका नाम बताएंगे, SMIT Badge 10। ठीक है, हो गया। चलो भाई देखते हैं, तड़े भाई समझ में आ रहा है, ये हो गया। अगर लॉग आउट करना हो आप किसी और के सिस्टम में तो सर्च लॉग आउट, सिंपल। अगर आपको मालूम करना है कि आपने अपने अकाउंट पे कितने डोमेन जो है डिप्लॉय कर दिए, सर्च लिस्ट। ठीक है, ये आ गया, देखें सारे
ये बोल रहा है यार, ये आपने दो अभी तक डिप्लॉय किए हैं और ये वाला अभी जस्ट नाउ डिप्लॉय हुआ है और इसको 3 मिनट हुए। ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं होता इसमें जो हम मालूम करना हो। इसमें नहीं है, इसमें सीन नहीं है। हाँ सब करेगा ना, वो अच्छा है, बेहतरीन है, खुद ही हो जाएगा। लेकिन इसमें सर्ज में ऐसा नहीं है कि आप इसको अपने ना गिटहब से कनेक्ट कर दें। सर्ज ये है कि भाई ये क्विक सॉल्यूशन है। ये वैसे पता है किस लिए होता है कि आप वेबसाइट बना रहे हैं, क्लाइंट की कंप्लीट हो गई, आप उसको डेमो देना है, आपने सर्च पे डिप्लाई की, जल्दी से उसको सर्च का लिंक भेज दिया 2 मिनट में बना के कि ये लो भाई आपकी वेबसाइट देख लो। ठीक है, ये इसलिए होता है। बाकी नेटलिफाई में हाँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि भाई उसको हम गिटहब से कनेक्ट कर दें और फिर जो है वो ऑटो डिप्लाई करता रहे, देखे जब जैसे उसमें कोई पुश आया वो उसको ऑटो डिप्लाई कर दे। सेट है भाई। अच्छा फायरबेस होस्टिंग भी है लेकिन वो काफी लंबी है, मतलब वो सर्च वाली चीज ही मिलेगी आपको एंड में, लेकिन उसमें थोड़ी सी लंबी होती है कि यार उसको उस पर आप उसको इंस्टॉल करो, पहले प्रोजेक्ट इनिट करो, फिर फायरबेस पे जाके प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उसकी कुछ कमांड्स होती हैं वो चलाओ, उसके बाद जाके फिर वो फायरबेस पे डिप्लॉय होता है। अच्छा डोमेन जो है ना कनेक्ट करना नेटलिफाई से भी हो जाता है। आपने अगर कोई डोमेन खरीदा अपना वो नेटलिफाई से भी कनेक्ट हो जाएगा और फायरबेस से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा कनेक्ट। तो बेस्ट ये रहता है, फायरबेस अच्छा ऑप्शन दे रहा है इसके डोमेन कनेक्ट करने के ना, फायरबेस फौरन कर देता है। तो फायरबेस पे आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे तो उसमें आप अपना कस्टम डोमेन जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब ये तो देखें क्विक सॉल्यूशन हो गया और ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए है। हम ये नहीं कर सकते कि हम एक वेबसाइट को लाइव कर दें पब्लिक में और हम बोलें कि भाई smit.search.sh पे जाओ, नहीं ये प्रॉपर वे नहीं है। अगर हम अपनी वेबसाइट लाइव करनी है लोगों में तो हमें कोई डोमेन लेना पड़ेगा .com.pk.org, ठीक है, तो इस तरह से लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर हमारी वेबसाइट पे लोड ज़्यादा है, यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है ना होस्टिंग सर्वर भी लेना पड़ेगा अपना। जो हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो रही है ना ये इनकी स्पेस में हो रही है, सर्ज ने अपने सर्वर लिए हुए वहाँ पर डिप्लॉय हो रही है। मतलब ये आपको क्या लगता है जब हम नेटलिफाई पर डिप्लॉय करते हैं तो वेबसाइट कहाँ जाती है हमारी, क्लाउड में, मतलब कहीं ना कहीं तो जाती होगी ना। तो नेटलिफाई के सर्वर हैं, नेटलिफाई हमें थोड़ी सी स्पेस दे देता है फ्री में कि आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे रख दो और डिप्लॉय कर दो, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर स्पेस अगर चाहिए होती ना अपनी, ठीक है, और उस पर ज़्यादा लोड डालना होता है तो आपको फिर वो पेड लेनी पड़ती है। फ्री में कोई नहीं देता इतनी हैवी कि आप इतने सारे यूजर्स आप ले आए फ्री में। फायरबेस जैसे होस्टिंग है वो अलाउ करता है 100 यूजर बस, 100 से ज्यादा आएंगे वेबसाइट बैठ जाएगी फ्री में, ठीक है। तो नेटलिफाई की भी कुछ लिमिट है 100-200 की कि भाई इतने यूजर उस पर आएंगे तो वो अलाउ करेगा डेली। डेली नहीं, इसको कॉन्करेंट यूजर बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है एट अ टाइम, मतलब अभी एट अ टाइम 100 यूजर आपकी वेबसाइट पर आए हुए। अगर 101 हुआ तो आपकी वेबसाइट डाउन, फ्री वाले में ये होता है। तो इस वजह से फिर हमें जो है ना पेड पे जाना पड़ता है अगर हमें पता है कि हमारी वेबसाइट पे यूजर्स ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन हम काफी सारी वेबसाइट ऐसी बनाते हैं जिसपे महीने में 2 यूजर मुश्किल से आते हैं, ज्यादातर वेबसाइट हम ऐसी बनाते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है और नसीब की बात होती है कि अगर आपने ऐसी वेबसाइट बनाई कि उस पर डेली 1000 यूजर आ रहे हैं, बहुत नसीब की बात है। और फिर ये आपका पोर्टफोलियो में बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो रहता है कि जिसको आप बोले कि यार मैंने ये वेबसाइट बनाई थी और इस पर 1000 यूजर डेली आते हैं, ठीक है। तो आप किसी को जाके बताएंगे, किसी कंपनी में जाके बताएंगे ना, तो फिर बहुत ही बड़ी बात होगी आपके लिए, ठीक है। इतने यूजर आते हैं या इतने यूजर्स हो चुके हैं, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी वेबसाइट पर अब तक 10 लाख यूजर आ चुके हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मेरी वेबसाइट पर तो आ चुके हैं, ठीक है, दूसरी पे भी आ चुके हैं और सैलानी की बनाई है सैलानीवेलफेयर.com, तो इस पे तो ज़्यादा ही आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 1.5-2 साल होने वाले हैं इसको बनाए हुए। अब कोई और संभालता है, अब मैं नहीं बनाता, लेकिन पहले मैंने कंप्लीट पूरी बना के दी थी। तो इसके अलावा काफ़ी मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें
तकरीबन 1 लाख यूजर्स हो गए, एक के तकरीबन 10 लाख होने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और जब कहीं पर भी बनाते हैं ना तो कहीं पर भी बताते हैं जाके तो बहुत फायदा होता है इसका, ठीक है। वरना इतनी सारी ऐप्स हैं, मैंने इतनी सारी ऐप्स ऐसी भी बनाई हैं कि जिस पर आज तक एक भी यूजर नहीं आया। पैसे लिए हैं बनाने के, जाहिर से हमें इससे, देखें हमें इससे क्या, हम तो चीज बनाने के पैसे ले रहे हैं ना। आप हमसे वेबसाइट बनवाओ, हम आपको वेबसाइट बना के देंगे, आप हमें पैसे दो, अगले दिन ना आप हमको जानते ना हम आपको जानते। अब यूजर आए नहीं आए आपकी वेबसाइट पे, वो आपका आपका हमारा मतलब नहीं है इससे, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने इतनी बेकार वेबसाइट बनाई कि यूजर नहीं आ रहा। वो तो यूजर की मर्जी है ना, वो यूजर आए नहीं आए आपकी वेबसाइट पे, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होता। लेकिन आ जाए तो हमारे लिए अच्छी बात होती है, अगर आ जाए ना यूजर और हम उसको ट्रेस कर रहे हो कि यार मेरी इस वेबसाइट पे इतने यूजर आ रहे हैं। तो लोग पर्सनल वेबसाइट भी बना लेते हैं अपनी, जिस तरह मेरे एक कुलीग है, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है इमेज कंप्रेसर की, वहां पे जाकर अपनी इमेज को अपलोड करें, उसको कंप्रेस करके दे देती है आपको, ठीक है। मतलब 20 MB की इमेज है, आपको 1 MB की बना के दे देगी, ठीक है। तो उसपे हजारों यूजर्स आते हैं डेली। तो उसने फिर क्या किया, काफी मेहनत के बाद 1000 यूजर आए डेली। तो फिर उस पर एड लगा दिए, एड से पैसा आ रहा है, क्योंकि जब आप वेबसाइट में आप एड लगाते हैं तो उसके लिए भी ठीक ठाक यूजर्स चाहिए होते हैं, वरना गूगल आपको देता नहीं है एड। तो ये काम भी अच्छा है, लेकिन इतनी आसानी से होता नहीं है, इसमें ख्वारी होते हैं कि एक एक यूजर बड़ा कीमती होता है आपके लिए जो आपके वेबसाइट पर आता है, ठीक है। इसी तरह मोबाइल ऐप में भी होता है, बाकी ये मशहूर आजकल के यार, अगर इसकी वेबसाइट में इसकी मोबाइल ऐप यूज करूंगा तो इसको फायदा हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बोलते हैं ना कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करो आपको ये मिलेगा, तो आप लोग सोचते हैं हाँ इसका भी तो फायदा होगा, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। हाँ अगर आप उसकी ऐप पे कोई ऐड देखेंगे तो उसका फायदा होगा, ठीक है। या उसकी ऐप में आप कोई चीज परचेज करेंगे, जैसे पबजी आप खेलते हैं उसमें परचेज करते हैं चीजें, तो उसका फायदा होता है। लेकिन अगर पबजी फ्री में खेल रहे हैं तो पबजी का कोई भी फायदा नहीं हो रहा आपसे, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो दूसरे खेल रहे हैं वो खरीद रहे हैं तो उसका फायदा हो रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट में भी यही सीन है कि अगर आप किसी की वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट वाले का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, जब तक आप कोई ऐड ना देखें या जब तक आप वेबसाइट से कोई चीज परचेज ना करें, उसका कोई भी 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। मतलब पर यूजर पे कुछ नहीं मिलता, वरना ये आजकल हर किसी को यही लगता है कि अगर इसकी वेबसाइट पे 1000 यूजर आ रहे हैं तो इसको 1000 रुपए मिल रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैयद को मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहली चीज जो है ना होस्टिंग लेनी होती है हमें, फिर होस्टिंग के साथ हमें एक डोमेन कनेक्ट करना होता है, ठीक है। डोमेन जो है ना सिर्फ समझे एक मास्किंग होती है हमारी, जब भी आप कोई होस्टिंग लेते हैं ना तो जिस जिस प्लेटफॉर्म से आप वो होस्टिंग लेते हैं वो अपने सर्वर में एक शेयर्ड स्पेस आपको दे देता है। अब उस शेयर्ड स्पेस का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, वो आपको मिल जाता है। अब हम यूजर को आईपी एड्रेस तो दे नहीं सकते कि बोले यार अगर आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है तो 192.16, वो बोले ये कितनी मुश्किल वेबसाइट है। तो इस वजह से हमें चाहिए होता है डोमेन कि हम उसकी मास्किंग कर दें, जब भी gauseahmed.com को लिखे तो वेबसाइट पे चले जाए हमारी, ठीक है। डोमेन इस वजह से जरूरी होता है। अच्छा पहले ये चीजें भी सस्ती मिल जाया करती थी, लेकिन जब से डॉलर बढ़ा है तो ये चीजें बहुत महंगी होने लग गई हैं। तो मेरे अपने काफी सारे क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं खास तौर पे कुछ, तो जिस तरह ट्रेवल एजेंट जो है वो क्लाइंट्स हैं, मतलब उनकी वेबसाइट्स बना के दी हुई है, तो उनकी हर साल ना रिन्यूअल होती है डोमेन की और होस्टिंग की, कि ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है ना इसकी। तो अभी 2-3 साल से जो है ना उनके पैसे डबल ट्रिपल आने लग गए, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्लेटफॉर्म की फीस है वो ले रहा है, इतनी मैं आपको इन्वाइस दे रहा हूँ पूरी, मेरा इसमें क्या कुछ भी नहीं है। तो ये सारा जो है ना वो डॉलर की वजह से, क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ही बाय करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से नहीं होगा कोई भी ऐसा, बहुत शुरू में दे रहा है 1000 रुपए की देगा वो आपको, और फिर वो अगले साल बोलेगा 10,000 निकाल, ऐसे सीन है। अभी मेरे पास भी फोन आ रहा था, ये भी क्लाइंट है, इनका डोमेन एक्सपायर हुआ है, एक्सपायर नहीं हुआ है, 16 तारीख को हो जाएगा, तो इनके फोन पे फोन आ रहा है कि रिन्यू करवा दो। अब मैं इनको पैसे बताऊंगा तो फिर ये इतने पैसे लग रहा है इसको रिन्यू करवाने के। तो अभी मैंने सुबह देखा GoDaddy पे
पिछले साल मैंने 4,000 रुपये में करवाया था इनका डोमेन और ईमेल, एक ईमेल खरीदी हुई थी 4,000 रुपये दोनों के दिए थे, तो इस बार वो 12,000 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, अब वो मैं इनको बताऊंगा तो मेरे, यार पिछले साल तो 4,000 दिए थे, अब डायरेक्ट डबल भी नहीं ट्रिपल, तो इस वजह से घबराने वाली बात हो जाती है थोड़ी। तो अब ये मसला जो है ना डॉलर का, ये जाहिर सी बात है सब समझते हैं भाई, डॉलर बढ़ गया आजकल। तो मैं व्लॉग देख रहा था, उसमें वो गधा गाड़ी वाला था, बोलता है डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, ज्यादा पैसे लूंगा। यार सर उनको डायरेक्ट डॉलर में बताया तो पाकिस्तानी डॉलर में नहीं होती है डीलिंग ना, जो भी आपका पाकिस्तानी कस्टमर है वो पीकेआर में करेगा डीलिंग आपसे, आपको ये खुद मैनेज करना है कि जो भी है। लेकिन क्लाइंट को आप पहले ही बता देते हैं, भाई ये मेरा नहीं है, ये आपका है, जो भी मैं डोमेन होस्टिंग ले रहा हूँ ना, ये आप इसके पे करेंगे हर साल। अगर आपको लेना है तो आप 10 साल के लिए ले लें, एक साथ ही जान छुड़ाएं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज यही करती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, तो डोमेन जो है 10 साल 20 साल के लिए ले लेते हैं अपना, ताकि ऐसा ना हो कि भूल जाए, एक्सपायर हो जाए और कोई और ले ले, तो फिर उसमें फिर जो लेगा वो बोलेगा लाओ भाई इतने पैसे दो, ऐसा भी होता है। इसका भी लोग बिजनेस करते हैं, ब्रोकर क्या करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। कि अगर आपको पता हो कि किसी का डोमेन एक्सपायर है और वो ओपन पड़ा हुआ है, और आपको लगता है कि यार अगर वो आप डोमेन ले लेंगे तो ये आपके पीछे आएगा और हर हाल में आपसे वापसी लेगा, तो आप खरीद लेते हैं उसका डोमेन। तो ये इसी तरह से भी गलत बात नहीं है, वो ओपन पड़ा हुआ है भाई, कोई भी खरीद सकता है, तो वो आप ले लेते हैं, फिर वो आप लिख के लगा देते हैं उस पर, जब भी कोई डोमेन पे जाएगा डोमेन फॉर सेल और नीचे प्राइस लिखी हुई होती है, वो बंदा खुद देख के बोलता है। तो एक दफा की बात है, google.com किसी ने खरीद लिया था, बहुत पुरानी बात है शायद ये, google.com किसी ने खरीद लिया और फिर गूगल ने उसको ठीक ठाक पैसे दिए तो उससे वापसी लिया, पता नहीं सच बात भी गलत बात है, लेकिन मैंने सुना है ये ऐसा था। तो फिर गूगल ने जो है ना 20-25 साल के लिए लिया हुआ है, ठीक है, और जैसे ही 1-2 साल करीब आने होते फिर गूगल 20-25 साल बाद के और ले लेता है, पे कर देता है। तो इस तरह नहीं, ऐसा इस चीज नहीं है ना, देखिए इसकी भी एक रजिस्ट्री होती है, इसकी भी एक रजिस्ट्री होती है, यूएसए के अंदर ही है कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास आप ये सारे डोमेन रजिस्टर करते हैं, मतलब ये इंटरनेशनल लॉ है, ये ऐसा नहीं है कि अपनी कोई रजिस्ट्री बना ले और अपने डोमेन भेजना शुरू कर दे तो इसमें फिर कैश आ जाएगा कि भाई gauss-ahmed.com वहाँ पे भी रजिस्टर था और जिसने अपनी बनाई है वहाँ पे दो दो gauss-ahmed.com हो गए, तो मैं इंटरनेट पर कहाँ जाऊँगा, बात समझ रहे हैं। तो ये रजिस्ट्री एक ही होगी, दूसरी आएगी ना तो पूरा इंटरनेट जो है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब, www जो लिखा हुआ है ना, तो यही एक रजिस्ट्री होती है, इसी में ही वो सारा। अब इनसे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि यार हम जो है ना डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर सर्विस बनना चाह रहे हैं, इनको लाइसेंस मिल जाता है, फिर ये क्या करते हैं आप इनको पैसे देते हैं, ये उनके पास रजिस्टर करवा देते हैं आपका डोमेन, ये सीन है। बाकी इसमें शायद जो कंट्री वाइज डोमेन होते हैं तो उसमें कंट्री का भी, कंट्री की भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको डोमेन इशू कर रही होती है, जैसे .pk का डोमेन जो है ना वो PKNIC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी पाकिस्तान की, ये इशू करती है आपको .pk रजिस्ट्री प्रोवाइडर, ठीक है। .pk का डोमेन जो है ना ये अच्छा, अगर आप इनसे भी नहीं लेंगे ना, तो अगर आप किसी और वेबसाइट से भी लेंगे तो मेरे ख्याल से वो भी यहीं से ही आपको लेके देगा शायद, ऐसा सीन होता है कुछ इसका, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है वैसे, लोग करते हैं ऐसा कि डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर बन जाएं आप, ठीक है। और होस्टिंग में क्या होता है कि किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट से ना आपने तकरीबन समझे 100 GB की होस्टिंग खरीद ली, 100 GB स्पेस खरीद ली, अब आप उसको 1 GB 1 GB करके लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है। तो 100 GB आपने कम में खरीदी, अब 1 GB 1 GB आप बेच रहे हैं, तो इससे ठीक ठाक आपको प्रॉफिट हो जाता है। और ये ऐसा बिजनेस है कि एक बार जब आप कोई आप कोई आपसे ले लेना, अब आप वो कहीं और नहीं जाता, वो जिंदगी भर आपके पास ही रहेगा, रिन्यू करवाता रहेगा, रिन्यू करवाता, ट्रांसफर नहीं करवाएगा। ट्रांसफर करने का ऑप्शन होता है लेकिन करवाते नहीं है लोग, क्योंकि उसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं कि एक वेबसाइट से डोमेन उठा के किसी और वेबसाइट पर ले जाए। ये 2-3 बिजनेस ना बहुत बेहतरीन होते हैं, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं ये, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। एक ये वाला, एक दूसरा होता है कि आप एक कोई सॉफ्टवेयर बना दें, जैसे पॉइंट ऑफ सेल बना दिया, ERP बना दिया, CRM बना दिया,
और आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया वो अपना सॉफ्टवेयर, अब वो जिंदगी भर लगा रहेगा, उसके लिए वो चेंज करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका सारा डेटा, उनके सारी चीजें वो सारी उस पर चल रही होंगी, ना वो अब चेंज करेंगे ना वो आपसे ही बोलेंगे कि इसको इसको मेंटेन करके दो, हमें इसमें ये फीचर ऐड करके दो, ठीक है, जो भी होगा वो आपसे ही बोलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। जैसे आजकल आप किसी भी रेस्टोरेंट के वेबसाइट पर जाते हैं ना, आपको एक UI नजर आएगी सबकी, तो वो दो ऐसी कंपनीज हैं हमारी कराची में ही शायद, तो वो रेस्टोरेंट की बनी बनाई वेबसाइट दे रही है, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन दे रही है रेस्टोरेंट्स को, और फिर उनसे मंथली चार्ज करती है। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस होता है, लेकिन हाँ प्रोडक्ट बेस्ट, तो इसके लिए फिर वो सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अच्छा ना, कि आप बेच सकें लोगों को, मंजन बेचना है आपको, ठीक है। तो अब जैसे GoDaddy वेबसाइट है डोमेन की, होस्टिंग भी है डोमेन भी है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ना महंगा पड़ जाता है दूसरों के मुकाबले में। इसने ऑफर्स वगैरह तो बहुत लगाई भी होती हैं कि भाई जब हम सीखते थे ना 2017 में, तो इसकी ऑफर्स आती थी 99 में डोमेन, मतलब 100 रुपये में डोमेन ले लो, तो बड़े लिए हमने डोमेन लिए, लेकिन फिर अगले साल फिर वही कि भाई लाओ 1000 रुपये दो, तो 1500 रुपये तक का रेट होता था हमारे टाइम पे डोमेन का, लेकिन अब मेरे ख्याल से जो है ना 3000 रुपये तक है डोमेन के प्राइस, नॉर्मल प्राइस, वरना जो है ना डोमेन टू डोमेन वेरी करते हैं, कि अगर आप बोलें कि यार मुझे जो है ना apple.com चाहिए, तो खैर वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इतना अच्छा कोई डोमेन होगा ना तो वो लाखों डॉलर में मिलेगा आपको, ठीक है, या 2-3 वर्ड का चाहिए आपको, जैसे आप बोले ना मुझे abc.com चाहिए, वैसे तो शायद ही किसी ने लिया हुआ होगा, हाँ डोमेन लिया हुआ किसी ने ना, मतलब जिसमें 3 लेटर्स आ रहे हो सिर्फ, है कोई ऐसा नाम है, चलो 4 देख लेते हैं, smit.com लिया हुआ होगा किसी ने ये भी, देखो अच्छा वैसे तो 2-3-4 लेटर्स वाले ना आपको मिलते ही नहीं डोमेन, वो कोई ना कोई ले लेता है, देखिए smit.site मिल रहा है प्रीमियम 51,000 का, ठीक है, और ये वाला देखें smit.design 2,72,000, तो 10-10 लाख के भी होते हैं, 10-10 लाख डॉलर के भी होते हैं, देखें ये वाला देखें 15 लाख। तो इस तरह डोमेन के ऊपर बात है कि वो कैसा है, बड़ा नेम हो, जैसे भाई अगर हम बोलें कि अहमद रजा सैलानी SMIT, इतना बड़ा नेम 1699, खैर अहमद रजा भी इतने का ही होगा वैसे, क्योंकि अहमद रजा में ना इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये किसी ने लिया हुआ होगा, पॉपुलर है ना, अच्छा प्रीमियम पे डाला हुआ भाई 3 लाख, खैर मेरा तो 1600 का मिल रहा था तो मैंने ले लिया था, देखिए मेरा नेम ऐसा है यूनिक है। तो अहमद रजा के आगे आप कुछ लगाएं मोहम्मद अहमद रजा, एम अहमद रजा, तो ये सस्ता मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह का कुछ होता है तो आप ले लेते हैं सस्ता, बाकी जिसका नेम ऐसा है कि जो बहुत पॉपुलर है तो वो महंगा ही मिलेगा भाई, जिसका नेम यूनिक है तो वो सस्ता मिलेगा। तो अच्छा इसके अलावा ना मैं जो अब डोमेन्स लेता हूँ ना वो यहाँ से लेता हूँ नेमचीप से, इनकी वैसे होस्टिंग भी सही है रीजनेबल प्राइस में और डोमेन भी सही मिल जाता है, और ईयरली जो है ना ये सही रेट रखते हैं, ऐसा नहीं है कि इस साल कम दिया तो अगले साल आपको काट दिया, ऐसा नहीं है, तो सही रेट रखते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी किसी कंपनी पे जाएं तो domains.pk, hoster.pk, hoster.pk से ना मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए बहुत लिए होस्टिंग, बनाता था पहले काफी, तो उसमें वर्डप्रेस में यही ना कि जो अब ट्रैवल एजेंट आ गया, कोई स्टैटिक वेबसाइट आ गई तो वर्डप्रेस में बना के दे दी, मतलब कौन इतना मेहनत करे इसको पूरी रिएक्ट पे या जावास्क्रिप्ट पे बनाए, इतना टाइम लगा है। अच्छा मेरे पास सबसे पहला ऑर्डर आया था एक ना ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी थी, उस पर ऑर्डर भी आ सके और सब हो सके, तो मैं जावास्क्रिप्ट पे बना रहा था, बनाते बनाते एक महीना गुजर गया लेकिन बनी नहीं थी,
तो फिर किसी ने बताया कि वर्डप्रेस तो बनाओ, 2 दिन में बन जाएगी। मेरा वर्डप्रेस क्या है, फिर मैं बैठ के सीखा, वाकई 2-3 दिन में बन गई, तो मैंने दे दी उसको बना के। तो ये चीजें कुछ होती हैं जिसमें कोई का आपको मिल जाती है चीजें तो कर सकते हैं, मसला नहीं है। बाकी शॉपिफाई है आजकल, लेकिन फिर वो क्लाइंट अगर अफोर्ड कर सकता है तो शॉपिफाई पे देते हैं उसको, अगर नहीं करता तो फिर वर्डप्रेस पे दे देते हैं। उसको बता भी देते हैं वर्डप्रेस में ये आपको मिलेगा, शॉपिफाई में ये फायदा होगा, सब उसको बता के। फिर होस्ट एंड डोमेन होगा एक ना, हाँ ये, तो ये पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम वही वाला डोमेन मालूम करें, अहमद रजा वाला, यहाँ पे वो होगा नहीं, क्योंकि वो गोडेडी में ब्रोकर होते हैं, उन्होंने खरीद के प्रीमियम पे रखा हुआ है वो। यहाँ पे ये बोल देगा कि भाई नॉट अवेलेबल, देखो भाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम मोहम्मद अहमद रजा करें, यहाँ पे एम अहमद रजा, ये अवेलेबल है और इसके रेट ज्यादा आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3,900। वहां कितने आ रहे थे? 1,600। लेकिन ये जो है ना फर्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर ये आपसे इतने लेंगे, इतने क्रॉस लगा हुआ है ना, 5,000, ठीक है। अगर होस्टल पे देखें, होस्टिंग के बताता हूँ अभी मैं। अच्छा, बाकी जो है ना .com और .pk, इस पर भी डिपेंड करता है। .us आपको महंगा मिलता है, ठीक है, ये आपको 3,270 का दे रहे हैं। देखें, ये पता नहीं इनके कोई अल्गोरिथम होते हैं, ये अपने आप जो रेट जनरेट हो जाते हैं, ये खुद से सेट नहीं करते। या ये अभी 3,270 दिखा रहा है, आप कल देखेंगे ये अलग दिखाएगा, रोज या 2-3 घंटे में चेंज होते रहते हैं। और ये भी होता है कि जब कोई डोमेन ज्यादा सर्च हो रहा होता है ना, उसके रेट बढ़ जाते हैं। पता नहीं कैसे पता चलता है इन लोगों को, यार ये डोमेन सर्च हो रहा है और ये कोई खरीदने वाला है। तो अगर आप फौरन नहीं खरीदते ना, अगले दिन उसके रेट बढ़े हुए होते हैं। तो फौरन अगर खरीद लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सर्च तो हुआ ना, फिर भी कहीं से भी हुआ लेकिन सर्च हुआ, तो ये सीन है इसका। ओएलएक्स का तो खरीदा हुआ है ना, अवेलेबल ही नहीं होगा। ओएलएक्स पाकिस्तान लिख दें अगर हम, नॉट अवेलेबल, ओएलएक्स पाकिस्तान, ओएलएक्स कराची, ये मिल जाएगा आपको शायद। ये भी नहीं है, ये भी किसी ने लिया हुआ। तो इस तरह ये पॉपुलर डोमेन होते हैं ना, ये ले लेता है कोई ना कोई, खरीद लेता है। अच्छा, इसके अलावा जो पाकिस्तानी वेबसाइट है ना, तो ये आपको .com, .pk, अच्छा .pk को इंटरनेशनल वेबसाइट नहीं देगी आपको, वो पाकिस्तानी वेबसाइट से ही मिलेगा। जैसे आप GoDaddy पे जाएं और बोलें .pk चाहिए, GoDaddy आपको .pk नहीं देगा, वो आपको पाकिस्तानी वेबसाइट ही देगी, ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह से नाम हमारा बहुत है ना दुनिया भर में, तो इस वजह से नहीं देता कोई भी। लेकिन पाकिस्तानी वेबसाइट आपको US का दे देगी .us, और किसी भी वेबसाइट से आप लें वो US का आपको दे देगी, US का, UK का, हर कंट्री का आपको दे देगी वो, लेकिन पाकिस्तान का नहीं देगी, पता नहीं क्यों। इंडिया का भी देखिए, देखें IN करके मिल जाएगा आपको। सर .com .pk भी तो वो कैसे? देखें मिल रहा है। GoDaddy में जितने भी बंदे हैं सारे वो इंडिया में तो बैठे हैं, इंडिया में शायद इनका हेडक्वार्टर है। तो अच्छा, .us का चाहिए ना आपको तो वो कहीं से भी मिल जाएगा, और .pk का आपको सिर्फ पाकिस्तानी वेबसाइट से मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको .com चाहिए तो ये बेस्ट नेम चाहिए, आप यहाँ से ले लें। अच्छा, इसका हमने देखा ना रेट, ये देखें ये कितने देता है। ये सिर्फ डोमेन के प्राइस हैं, होस्टिंग इसमें शामिल नहीं है, होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये दे रहा है आपको $16 का दे रहा है। कितने बन जाएंगे? ज्यादा बन जाएंगे मुझे लग रहा है आजकल तो, $16 भी कहाँ पहुंचे में यकीन नहीं आता देख के। 4,900, खैर हम तो एवरेज देखते हैं ना, ये मुझे पता है गलत बताता है, कहीं फॉरेक्स पे देखते हैं। यहाँ पे कितना, 332 माशाल्लाह से देख रहा हूँ, 5,320 का डोमेन पड़ेगा आपको डॉलर के हिसाब से अगर आपने।
ठीक है, तो मैंने यहाँ से भी डोमेन लिए हुए काफी सारे नेमचीप से। अच्छा अब हम होस्टिंग की बात करते हैं। देखें ये होस्टर पी गए पाकिस्तानी वेबसाइट है, इसके होस्टिंग पैकेज जो है ना, होस्टिंग में देखा क्या क्या जाता है। अच्छा देखिए इनके प्लान है, होस्टिंग प्लान 1, होस्टिंग प्लान 2, 3 और 4। 1 जो ये 5260 का है, उस टाइम पे 2018 में कि ये कितने का हुआ करता था, 1200 रुपए का, ठीक है। तो लेकिन अब ये जो है ना होस्टिंग प्लान इन्होंने 5260 का कर दिया, ये 6880 और ये फिर आखिरी वाला जो 12000 समथिंग का है। तो इसमें क्या क्या डिस्क स्पेस क्या है कि जिसमें आप अपनी वेबसाइट को स्टोर कर सकते हैं, मतलब ये 1000 MB दे रहा है, मतलब 1 GB तक दे रहा है आपको ये। मंथली ट्रांसफर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होती है कि आपकी वेबसाइट किसी सर्वर पे पड़ी हुई है और उसमें यूजर्स आके उसको डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब यूजर को जो शो होती है ना ब्राउजर में वो डाउनलोड होके शो होती है, तो ये बैंडविड्थ होती है। ऐसा ही पता है किसी को इसके बारे में? और ये होती है ना बैंडविड्थ, तो ये 20 GB मंथली आपको दे रहे हैं, मतलब एक महीने में 20 GB तक आपकी वेबसाइट जो है ना वो डाउनलोड हो सकती है कहीं पर। इससे ज्यादा लिमिट हो जाएगी तो फिर वो डाउन हो जाएगी, तो आगे वाले प्लान में ज्यादा है। CPU जो है वो आपको 1 कोर का दे रही है, RAM आपको 2 GB की दे रहे हैं, एंट्री प्रोसेस है 30, ये तो सबके सेम ही है, बाकी काफी सारी चीज और भी हैं। साइट्स एक है, मतलब इसमें आप एक साइट डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी इनका अगर आपने ये वाला प्लान लिया ना तो होस्टिंग एक, डोमेन 3 लगा के 3 अलग अलग वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस वाला ये वाला आप ले रहे हैं तो इसमें एक वेबसाइट, एक होस्टिंग में एक वेबसाइट अलाउ करना है। सब डोमेन इसमें 5 मिल रहे हैं। सब डोमेन क्या होते हैं, जैसे कि gaushammer.com मैंने लिया हुआ है, अब मैं एक डोमेन बनाऊं contact.gaushammer.com, तो शुरू वाला जो लिखा हुआ है ना वो सब डोमेन के लिए, जैसे अभी सर्च पे हमने डिप्लॉय किया तो सर्च हमें सब डोमेन दे रहा है, ठीक है। फ्री डोमेन ये आपको पहले साल फ्री देते हैं हर प्लान में, कि जब आप इनसे होस्टिंग लेंगे ना तो ये आपको फर्स्ट ईयर का जो डोमेन है वो फ्री देंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसके चार्ज करेंगे। ईमेल अकाउंट्स आपको दे रहे हैं 10 ईमेल होते हैं ना, बिजनेस ईमेल जो आपकी बन जाती है, ठीक है, जैसे वही contact@gaushammer.com इस तरह की ईमेल। तो ये सारी चीजें देखते हुए बंदा ये वाला पैकेज इनफ होता है हमारी एक सिंपल, अगर वेबसाइट कोई डिप्लॉय करें हम किसी क्लाइंट की अपनी, तो ये वाला पैकेज इनफ होता है वेबसाइट के लिए, तो खरीद इससे आराम से सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इनको इजी पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल ऐप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बैंक में जाके भी पे कर सकते हैं स्लिप से, काफी सारे इन्होंने पेमेंट ऑप्शन दिए होते हैं आपको, आप इनको पे करें 1 घंटे के अंदर ये आपको सारी चीजें एक्टिवेट करके आपको दे देते हैं ईमेल पे, कि ये आपकी डिटेल है, यहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा इसमें होता है मिलता क्या है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने वेबसाइट भी काफी अपडेट कर ली है पहले से ना। अच्छा इसमें एक चीज आप ये देखेंगे कि ये वेबसाइट बाहर से सबकी अलग अलग होगी थीम, लेकिन अंदर जो पूरा पैनल है ना वो सेम होता है, सी पैनल नहीं क्लाइंट एरिया जो होता है इनका, मतलब इसकी वजह पता है क्या है, ये जितने भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना इन्होंने सबने एक कंपनी से लिया हुआ है सर्वर, तो क्लाइंट एरिया उसका मिल रहा है, ठीक है, तो ये सीन है। पासवर्ड भूल गया मुझे लग रहा है यार, सही है। देखें ये थोड़ा सा इशू भी आएगा आपको पाकिस्तानी वेबसाइट में, लोडर हो रहा है ना। नेट ही तो नहीं चला गया हमारा बिला वजह, हम बोल रहे हैं नेट तो चल रहा है। ट्रैफिक होगा आज। अच्छा इस पे भी कर देते हैं,
ठीक है। देखें जैसे मैंने ये डोमेन यहाँ से खरीदा हुआ है ना, तो इस तरह से ये आपको दे देते हैं इसका ऑप्शन। इसमें वैसे होती तो काफी सारी चीजें लेकिन आपकी काम की कुछ भी नहीं है, बस ये आपको बोलते हैं अगर प्रीमियम डीएनएस चाहिए। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। इससे इससे कनेक्शन बनता है आपका आपकी होस्टिंग के साथ, मतलब ये डोमेन है सिर्फ। अगर आप इसको अपनी होस्टिंग पे मास्क करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो डोमेन नेम सर्वर जो होते हैं ना, इनके जरिए से होता है ये पॉइंटिंग जो आप करते हैं ना केवल। और इसमें रिडायरेक्शन भी होती है, रिडायरेक्शन अलग चीज होती है। रिडायरेक्शन क्या होती है कि आप gossamer.com लिखें, ये आपको smitbest10.search पे ले जाएगा और ऊपर नजर भी आ रहा होगा smitbest10.search, ये रिडायरेक्शन होती है। तो लेकिन ये करना सही तरीका नहीं है प्रॉपर। आप प्रॉपर इस पे मास्क करते हैं, कनेक्ट करते हैं डोमेन को। तो एडवांस डीएनएस वगैरह शायद इसमें होता है, इसमें आके ये देखिए इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं। ये जो रिकॉर्ड्स है ना, ये शायद नेटलीफाई आपको देगा। नेटलीफाई पे जाके आप देखेंगे ना, वो आपको बताएगा कि अगर आपको कस्टम डोमेन ऐड करना है तो आप क्या करो, अपने डोमेन प्रोवाइडर की वेबसाइट में जाओ और वहां पे ये रिकॉर्ड ऐड कर दो। इसमें TXT रिकॉर्ड होता है, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। A रिकॉर्ड होता है IP के लिए, कि जो आपके होस्टिंग की IP वो कनेक्ट हो जाती है इससे। तो वो जो आपको बोलता है वो सारे रिकॉर्ड आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के तकरीबन 12 घंटे बाद ये आपका डोमेन आपकी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है। मतलब जब भी आप कोई gossamer.com पे जाएगा तो फिर वो आपको उस होस्टिंग पे ले जाएगा। मेल नहीं, आपका अकाउंट है ना, आप इस पे अकाउंट बना लेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएगा डोमेन लिस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जो DNS है ना, डोमेन नेम सर्वर, ये हर वेबसाइट आपको नहीं देती। कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती है जो आपको बोलती है डोमेन हमसे ले लिया ना, अब होस्टिंग भी हमसे लेनी पड़ेगी, बाहर वाली होस्टिंग हम अलाउ नहीं कर रहे, ऐसा भी होता है। GoDaddy नहीं, नहीं GoDaddy करता है अलाउ, DNS देता है आपको, बोलता है हाँ भी किसी से भी कर लो आप। तो ऐसी होस्टिंग, ऐसी डोमेन नेम भी मिल जाता है आपको जिसके साथ DNS नहीं मिल, DNS की सेटिंग्स आपको नहीं मिल रही, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसको कनेक्ट करना। फिर उसका एक और ऑप्शन होता है नेम सर्वर। जी क्या है भी? क्लाउड पे वही ना, क्लाउड ये तो बता रहा हूँ सारा ही, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। देखिए जिस तरह हमने नेटलीफाई पर डिप्लाई किया ना, तो इसी तरह हम फिर बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, AWS पे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे जाते हैं, गूगल क्लाउड पे जाते हैं, तो वो बहुत ही हैवी सीन है। मतलब अगर आपके पास यूजर्स बहुत सारे हैं और उसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है फिर, और फिर उससे फिर ये डोमेन कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये gossamer.com मैंने यहाँ से ले लिया, अब इसको मैं अपने AWS की होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ये सीन होता है। लेकिन वो बहुत पावरफुल होस्टिंग होती है, उस पर काफी सारे यूजर्स आ सकते हैं, अच्छी होती है सब, ठीक है भाई, क्लियर ये चीज। बाकी इसका भी एक और भी देता हूँ आपको, एक तो ये चीज हो गई डोमेन, और इस डोमेन को आप फायरबेस के साथ, नेटलीफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और एक ये सीन होता है। अगर ये लॉगिन हो जाए तो फिर सीन बता देते हैं आपको। सेम ही सेटिंग्स आपको GoDaddy भी देता है। हाँ यही लग रहा है मुझे भी ना, लाइट गई भी होगी, सर्वर नहीं चल रहा होगा। बिल्कुल बना सकते हैं, बोले इसको पेज ही नहीं मिल रहा है। लॉगिन कर दिया मैं, रिटर्न टू होम किया मैंने, उसने लॉगिन कर दिया मुझे, बोला ये लॉगिन हो गया,
ठीक है। तो अब जैसे इसमें सर्विसेज आ रही हैं आपके पास, ये सारी सर्विसेज है मेरी जो इनसे ली हुई थी, कोई पेंडिंग है, कोई एक्टिव है, कोई कैंसिल हो गई है, कोई सस्पेंड हो गई है, कोई टर्मिनेट हो गई है, ठीक है। इसका क्या सीन है भाई, वेबसाइट बनवा लेते हैं क्लाइंट, फिर वो रिन्यू नहीं करवाते तो फिर वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, डोमेन होस्टिंग वगैरह सब बेकार हो जाता है। क्या नहीं, 5200 है यार, कोई भी इतना महंगा मैंने देखे, सारे 1-1 ही लिए हैं, देखे होस्टिंग प्लान 1-1-1 सारे 1 पे, 2 पे मैंने कोई भी नहीं लिया होगा आज तक, ये टेक कोलाची का है, हमने यहीं से लिया हुआ है, इस पर आ रहा है। अच्छा अब इस पर जाते हैं तो ये डोमेन खुल जाता है, और अगर हम इस पर क्लिक करके जाते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसमें क्या सीन होता है, इसमें होता है हमारे पास सी पैनल, ये मेन चीज होती है इसकी। यहां से आपकी होस्टिंग मैनेज हो रही होती है। अच्छा अब इसमें चीजें तो काफी सारी हैं, ईमेल अकाउंट बनाने तो इसमें जाएं, और जब ये आपके पास आ जाते हैं ना, आप इसको एक्सप्लोर करते करते खुद सीख जाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे ईमेल अकाउंट्स आपको नजर आ रहे हैं, सिंपल है, इसमें जाएंगे बोलेगा बना लो ईमेल, दो मुझे पासवर्ड दो, मैं बना के दे दूंगा ईमेल अकाउंट। फिर आप उसको अपने जीमेल से कनेक्ट भी कर सकते हैं ईमेल अकाउंट को। बाकी इसमें रिडायरेक्शन भी होती है, फॉरवर्डर भी होता है, और इसमें ऑटो रिस्पॉन्डर, पता नहीं इतनी सारी चीजें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या है इसमें। अच्छा इसमें मेन चीज है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर का क्या सीन है, ये आपको जो आपने स्पेस ली है ना अपनी, उसकी फाइल डायरेक्टरी आपको खोल के दे देगा इस तरह से। हाँ ये आपकी मेन फाइल है, ये आपका रूट फोल्डर है, मतलब इसमें जो भी आप कुछ डालते हैं ना, और जब आप gosemmer.com पे जाते हैं तो वो इस फोल्डर को हिट करता है, मतलब इस फोल्डर में इंडेक्स की फाइल ढूंढता है, वो इंडेक्स की फाइल मिलती है तो उसको चला देता है, सिंपल। ठीक है मिसाल के तौर पे देखें ये टेक्कोलाची वाला, हाँ ये वर्डप्रेस पे बनाई हुई है, जैसे ये टेक्कोलाची वाला है ना, मैं इस पे जाता हूँ टेक्कोलाची.com, देखें ये खुल रही है अभी, सही है, ये index.php है, इसको टारगेट कर रहा है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करता है, ये देखें बंद हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ अपनी index.html, सही है, और इसको मैं एडिट करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इसमें एक h1 डाल दो, उसमें लिख दो सैलानी smit, सही है जी, सेव कर दिया। अब ये क्या करेगा, आसान है ना, मुश्किल नहीं बिल्कुल भी। तो आप क्या करेंगे, आपने वेबसाइट बनाई, अपनी वेबसाइट की सारी फाइल्स और फोल्डर, मतलब मेन जो फोल्डर होता है ना, मेन फोल्डर, मैंने आपको शुरू से क्या बताया, आपकी वेबसाइट का जितना भी काम होगा वो सारा एक फोल्डर में होगा, हाँ वो सारा यहाँ पे लाके अपलोड कर देंगे, और जब भी कोई इस डोमेन पे जाएगा आपकी वेबसाइट उसको शो हो जाएगी, सिंपल। कोई कुछ पूछ रहा है, वर्डप्रेस पे बनानी चाहिए, फिर वो 5 मिनट में नहीं बनती, एग्जाम्पल दे रहा है वो, तो मेहनत ना करें ना, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे आप 5 मिनट में फेसबुक बना दो वर्डप्रेस पे, बना दोगे, बन जाएगी फेसबुक भाई वर्डप्रेस पे। सीन ये वर्डप्रेस पे कुछ भी नहीं बनता भाई, वर्डप्रेस पे सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट होगा या आपकी ई कॉमर्स हो गई, ठीक है, आपकी ये होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं इनकी वेबसाइट हो गई, ये सब बनाने के लिए बेस्ट है। मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, उस पर ही बनाओ ना, मेहनत क्यों करो। अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स के लिए क्लाइंट आए, बोलो मुझे ई कॉमर्स बना के दो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मेहनत करो, आप इस पर बनाओ, वर्डप्रेस पे बना दो। अगर क्लाइंट आपका टेक्निकल है, उसको पता है, वो तो बोलेगा नहीं वर्डप्रेस पे नहीं, मुझे रिएक्ट पे चाहिए, तो फिर हम उस पर जाएंगे रिएक्ट पे। तो बड़ी चीज नहीं बनती वर्डप्रेस पे, ऐसी चीज नहीं बनती जिस पे लाखों यूजर आ रहे हों डेली, और उस पर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हों। अगर मैं आपको बोलूं यार बैंक की ऐप है, मेरा बैंक लोग आएंगे ऑनलाइन बैंकिंग यूज करेंगे, वर्डप्रेस पे बना दो,
अगले दिन ही सबके अकाउंट जो है ना वो गए, सारे अकाउंट गए और वो बोलेंगे यार ये क्या दे दिया। तो फिर उसको हम प्रॉपर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह पे बनाएंगे। तो इस वजह से ही हम सीख रहे हैं। तो जो क्विक सॉल्यूशन मिल रहा है वो यूज करेंगे, जो नहीं मिल रहा वो खुद बनाएंगे। ये सीन है। वर्डप्रेस देखिए मुझे भी इतना नहीं आता, पीएचपी मुझे नहीं आती बिल्कुल भी, वर्डप्रेस पीएचपी पे टोटली ठीक है। कस्टमाइजेशन सीख लेते हैं यार, कोई थोड़ी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता उसमें। क्या होता है सिंपल देखें आपको बताता हूँ। ये सी पैनल है पूरा। जब आप किसी वेबसाइट से होस्टिंग डोमेन खरीदते हैं ना, अच्छा मुझे लोकली भी सेटअप करने नहीं आता वर्डप्रेस। अगर हाँ इसी में करता हूँ मैं। वैसे ना लोग क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर होता है ना, वो क्या करता है पहले लोकली सेटअप करता है। जैम मेरे ख्याल से सर्वर होता है, उसमें सेटअप करके पूरी वेबसाइट बनाता है अपने पीसी में और उसके बाद जाके फिर यहाँ पे अपलोड करता है। मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लाइव पे सर्वर लिया, सर्वर पे सीपीएनएल पे आके इसमें एक सॉफ्टवेयर क्लस ऐप इंस्टॉलर है या अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉलर भी है, इस दोनों में किसी में भी चले जाए, इसमें चले जाए तो ये आपको ऑप्शन देगा। देखें अभी मैंने एक इंस्टॉलेशन की हुई है वर्डप्रेस दे रहा है, आप अपनी सी पैनल में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है अभी मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ, देखें techkolachi.com में वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ 2019 में। अच्छा इंस्टॉल होने के बाद क्या सीन होता है, ये आपको एक एडमिन पैनल दे देता है वर्डप्रेस का। ठीक है एडमिन पैनल आपको कैसे मिलता है, /wp-admin पे रखा हुआ होता है वो ना, मुझे इसका एडमिन पासवर्ड याद नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं, वो तो एडमिन और पास होता है ना डिफॉल्ट, तो एडमिन और पास यही तो नहीं है, यही है अभी तक मैंने देखे चेंज भी नहीं करा हुआ, किसी ने भी नहीं करा, ये अभी कर देता हूँ मैं। वैसे ये होगा नहीं, देखो मना कर दिया, इतनी पुरानी चीज है अब कहाँ से याद होगा उसका, निकाल दो कैसे निकालोगे, मिल गया भाई देख शायद। तो फिर आपके पास ये आ जाता है भाई, ये पूरा एडमिन पैनल है वर्डप्रेस का, यहाँ से आप पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं। इसमें अपीयरेंस के अंदर थीम्स होती हैं, थीम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, फ्री थीम्स होती हैं काफ़ी सारी, ऐड न्यू पे करते हैं, ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे देखें काफ़ी सारी थीम्स नज़र आ रही हैं, ये सारी फ्री थीम्स हैं, पेड भी होती हैं लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सारी फ्री होती हैं। अब जैसे मैं बोलूँ ना मुझे ई कॉमर्स बनानी है तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स सर्च कर लूँगा, तो ये आ गए भाई, जो आपको अच्छी लगे वो आप इंस्टॉल कर दो। फिर सीन क्या होता है कि जब आप थीम इंस्टॉल करते हो तो इसका डेमो कंटेंट होता है वो आप इंपोर्ट कर देते हो, तो आपके पास पेजेस कंटेंट प्रोडक्ट सब खुद बन जाता है ऑटोमेटिक। फिर आप क्या करते हो उसको जाके एडिट करते हो कि भाई लोगो ये वाला लगा हुआ है तो उसको क्लाइंट का लगा दिया, प्रोडक्ट पुराने थे उसको डिलीट करके नए वाले अपलोड कर दिए, पेजेस पे कॉन्टेंट दूसरा लिखा हुआ है तो उसको कोई और सा लिख दिया, ये करके कम्प्लीट वेबसाइट बना के आप दे देते हो क्लाइंट को। ये सीन है इसमें, बाकी ऑप्शन से खेलना होता है। मुझे भी इसमें नहीं पता कि कहाँ पे जाके कौन सा ऑप्शन मिलेगा, खुद जाके जहाँ पे ऑप्शन नजर आया वहां पे एडिट किया और चलो भाई बन गया, इस तरह से खेला इससे सिंपल। तो कोडिंग कर सकते हैं इसके अंदर, कोडिंग भी करते हैं लेकिन वो फिर जिनको आती होगी पीएचपी वगैरह वो करते होंगे। फिर मैंने इस पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर दी थी। ठीक है इसमें इसमें प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं कि अगर आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में व्हाट्सएप का ऑप्शन देना है या ऑनलाइन चैट का ऑप्शन देना है, ठीक है तो इस तरह के ना प्लगइन्स होते हैं काफी सारे, या फॉर्म का देना है कि आप यूजर से फॉर्म एंट्रीज ले लें तो प्लगइन से वो आपको मिलता है। तो एक प्लगइन होता है इसमें जावास्क्रिप्ट के लिए कि आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट चला सकें, तो वो डाल देते हैं उसके बाद फिर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के उसको चला सकते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई वर्डप्रेस पे निकल गए, तो हम कहाँ से कहाँ निकल गए। तो ये सी पैनल था भाई, इसका आइडिया मैंने आपको दे दिया, तो ये आप इस कर सकते हैं इसको यूज। इसको दोबारा से चेंज कर देते हैं वरना
हमारी वेबसाइट नहीं खुलेगी। index.html को डिलीट करते हैं और इसका नाम जो चेंज करा था उसको दोबारा से index.php। ठीक है भाई, उसको क्या पता बेचारे को, उसको तो वेबसाइट चाहिए ना। तो वो तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। अब जैसे मैं अगर किसी से वेबसाइट बनवाने जाऊंगा अपने लिए, क्योंकि अब मुझे सब पता है, मुझे वर्डप्रेस पे चिपकाएगा अगर कोई, तो मैं तो बोलूँगा ये क्या है भाई। तो ये सीन होता है भाई। अब जल्दी से जावास्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, बहुत हमने देख लिया चीज़ें। तो लास्ट मैंने आपको टास्क दिया था एक, कौन सा हो गया था, एक क्यों जीत रहा है, दोनों जीते ना, कभी एक जीते कभी दूसरा जीते, इस तरह सर इसकी कंडीशन में अगर 0 आए तो विन, हेड है तो 1 आए तो वो सिंपल ही मल्टीप्लाई बाय उसको 1 कर देना, 2 कर देना, 2 कर दिया कर दिया हुई हां तो उसमें आ रहा है। देखो इसमें सिंपल ये होगा ना भाई, 3 लाइन का कोड है सर उसका। इसमें क्या होगा, मैथ डॉट राउंड, और इसमें आप लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है भाई, कभी 0 आ रहा है, अच्छा 2 भी आ रहा है, तो आप इसको कर दो मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, कभी 0 आ रहा है कभी 1 आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आप फ्लोर कर दो, कोई मसला नहीं है, फ्लोर कर देते हैं तो फ्लोर क्या करेगा, हमेशा नीचे वाला नंबर लेके आएगा, अभी हमेशा 0 ही लेके आएगा, हाँ तो अब इसको 2 करना पड़ेगा, 2 कर दो, सही है, 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, तो आप देख लो 0 तो हेड है वरना टेल से एल्स पे। ठीक है ये कर लो, इसके अलावा अभी और कुछ दिया था नहीं दिया था, अच्छा टेस्ट का मैं आपको एक हिंट दिए दे देता हूँ कि भाई हर चैप्टर के लास्ट में जो लिंक होते हैं ना ये देख लेना थोड़ा थोड़ा, इसी में से ही बनाऊंगा, ये आगे नहीं रहा, खत्म हो गया है, गूगल करना पड़ेगा इसका सर, फिर आता ही है। चलो अब ये इसने खत्म कर दिया होगा मुझे लग रहा है, ये वेबसाइट ही बंद तो नहीं हो गई, वेबसाइट तो चल रही है। चलो खैर बस बुक थोड़े से देख लेना 1 से लेके 20 चैप्टर तक, अब बता दें कोई चैप्टर ऐसा है जो लग रहा है कि नहीं थोड़ा समझ में नहीं आया तो बता देते हैं दोबारा। अच्छा चलें एक काम करें, एक हम एक्सरसाइज ये करते हैं, अच्छा ये ना डेली करने वाली चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेली करनी है आपको आज से, कि जावास्क्रिप्ट के ना चैप्टर के नेम्स आपने पढ़ने हैं बस। ठीक है, चैप्टर के नेम डेली पढ़ने हैं, और जहां आपको लगे कि यार चैप्टर का नेम पढ़ते ही, अच्छा जैसे आप नेम पढ़ेंगे ना आपको फौरन से वो चीज आएगी जहन में कि यार ये अलर्ट ये चीज है, जहां आपको लगे कि यार नहीं यार ये चीज समझ में नहीं आई है तो उस चैप्टर को खोलें और दोबारा से देखें, तो इससे ही होगा आपकी जावास्क्रिप्ट ना सही रहेगी, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है तो चलें पढ़ना शुरू करें।
पढ़ लिए भाई? सब सही है। अच्छा इसमें अब हम देखें अगर के कौन से चैप्टर इजी थे कौन से मुश्किल थे, तो अलर्ट, वेरिएबल, मैथ एक्सप्रेशंस, कॉन्कैटेनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, प्रॉम्प्ट्स, इफ स्टेटमेंट्स, आसान है भाई? सही है या ओके? अच्छा जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कितने हैं हमारे पास, कौन कौन से? छे या सात हैं? सात कैसे? और एंड तो अलग चीज है ना, और एंड कंपैरिजन ऑपरेटर कोई है? भाई ट्रिपल इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू को भी अगर काउंट कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, ठीक है, और एंड वाला है ये, सही है, ये क्लियर है? अच्छा इफ स्टेटमेंट नेस्टेड, अच्छा ये नेस्टेड वाली चीज को लेके ना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई आप उसको नेस्टेड समझे ही नहीं, आप समझे यार मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि नेस्टेड का मतलब ये कि यार एक इफ चल गया, ट्रू हो गया, अब उसके ब्लॉक में आ गया, वो उसके ब्लॉक में आने के बाद आपने एक और इफ लगा दिया। जब भी आपको इफ का कोड लिखते हैं ना, जैसे देखे मैंने इफ लगाया, अगर ये ट्रू होगा और ये चलेगा तो ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया ना, इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख दूंगा चलेगा, मतलब जावास्क्रिप्ट में जो कुछ भी है ना वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो चलेगा। इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा इफ भी लिख दूंगा तो चलेगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो इसको हम नेस्टेड इफ बोल रहे हैं कि इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया हमने, इस तरह नेस्टेड लूप भी है। अच्छा भाई एरे, एरे में हमने कितने मेथड्स देखे अभी तक? चार देखे। चलो कौन कौन से? पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, छह हो गए, और इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ चलता है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस तो भाई स्ट्रिंग का है ना। अच्छा कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कंफ्यूजन करेंगे आपको ना दिमाग में, कि जैसे स्लाइस जो है ना, स्लाइस वो एरे पे भी चलता है और स्ट्रिंग पे भी चलता है, तो इसी तरह इंडेक्स ऑफ भी एरे पे भी चलता है और स्ट्रिंग पे भी चलता है, ठीक है। तो आप रिप्लेस सिर्फ स्ट्रिंग पे चलता है, एरे पे नहीं चलता रिप्लेस, ठीक है। रिवर्स सिर्फ एरे पे चलता है, रिवर्स सिर्फ एरे पे चलेगा। स्प्लिट, अच्छा स्प्लिट ये सब अभी आपको बताया नहीं है ना मैंने, बता दें, देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है गॉस, स्प्लिट का मेथड है स्ट्रिंग के लिए ना, ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ना इसको तोड़ देगा, मतलब मैं चाहता हूं कि यार ये स्ट्रिंग जो है ना हर लेटर को गैप देके तोड़ दे, मतलब हर लेटर, एक एक लेटर अलग अलग रख दे इसका एरे के अंदर। तो मैं इसमें ये एम्प्टी स्पेस दे दूंगा, इस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग और एंटर करूंगा तो इस तरह इसको तोड़ देगा, कि जी एच ओ यू एस अलग अलग इंडेक्स पर रख देगा एरे के, ठीक है। अगर मैं बोलूं यार आप इसको जो है ना, अगर मेरे पास स्ट्रिंग में गौस अहमद है और मैं आप इसको बोलूंगा इसको स्पेस से तोड़ो, अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में देखेगा स्पेस कहाँ आ रही है, गौस और अहमद के बीच में आ रही है, तो अब ये क्या करेगा, गौस को अलग और अहमद को अलग कर देगा, समझे? या ऐसा हो कि भाई डैश लगा दिया मैंने, डैश, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई डैश से तोड़ दो, ये क्या करेगा, सिंपल, समझ में आ रहा है, स्प्लिट, लेकिन ये एरे भी बनाएगा, तोड़ेगा भी वो एरे भी बनाएगा। अच्छा अगर कोई एरे है आपके पास, एरे बना दिया इसने, गॉस अलग आ गया
और अहमद अलग आ गया एरे में। अब आपने इसको वापसी स्ट्रिंग बनाना है, तो एरे का मेथड है ज्वाइन, ज्वाइन चलेगा एरे पे और स्प्लिट चलेगा। अब आप इसको ज्वाइन जो करेंगे ना वो इससे स्पेस से करेंगे, तो ये इस तरह एरे को हटा के ज्वाइन करके आपको एक स्ट्रिंग बना देगा। स्प्लिट स्ट्रिंग का मेथड है और ज्वाइन एरे का मेथड है, ठीक है। रिवर्स एरे का है, एरे का रिवर्स क्या करता है कि अगर आप यहाँ रिवर्स लगाएंगे तो वो गॉस को लास्ट में ले आएगा और अहमद को पहले ले आएगा। टू स्ट्रिंग जो है ना वो उसका है नंबर का, टू स्ट्रिंग एरे नहीं होगा शायद, देख लेते हैं। चल गया, टू स्ट्रिंग भी चल रहा है इसमें, ठीक है। वैसे करते नहीं है इसको ऐसे, हाँ रिवर्स मेथड से हो जाएगा वो, तो गॉस और ज़ेन होगा ना सिर्फ, बीच में कोई इंडेक्स चेंज करवाना हो तो फिर नहीं होगा, ठीक है भाई। ज्वाइन एरे का है, स्प्लिट स्ट्रिंग का है, तो अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। बाकी आप हेड टेल शुरू करें, दिखाएं फिर क्या बनाया क्या नहीं आपने, तो फिर देखते हैं। सही है, अभी बस फंक्शन हो जाए ना हमारा, फंक्शन जो है ना हमारा आ जाएगा कब, चैप्टर नंबर 35 पे, उसके बाद फिर मैं आपको वो सारी चीजें सिखाना शुरू करता हूँ कि बटन के क्लिक पे कैसे होगा। सही है, अभी इतना ही रखते हैं।